हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीवी बॉयज। तो जी, ये इस्लामाबाद का वेदर आप देख सकते हैं। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी और आज जो है ना, बहुत दिनों के बाद सूरज नज़र आया हमें। और आप यहाँ से मरगला हिल्स देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो मौसम इस तरह है ना कि रूम में बैठने का नहीं है। तो हमारा प्लान है इंशाल्लाह मरगला हिल्स, और बारिश में मरगला हिल्स का क्या सीन होता है, क्या व्यू होता है, इंशाल्लाह सब आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो टू द मरगला हिल्स। तो फाइनली हम निकल गए हैं मरगला हिल्स की तरफ, और सबसे पहले काम करना है हमने बाइक में पेट्रोल डालना है, क्योंकि बाइक में पेट्रोल बहुत कम है। पेट्रोल का सीन कुछ इस तरह है ना कि अमजद को लगता है कि ये लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं लेकिन पेट्रोल नहीं डालते हैं। तो इसलिए हमने जो है ना वो क्लिप भी ऐड किया है ताकि बतौर सबूत। बारिश आ गया तो फिर क्या करोगे? बारिश भी आ गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ट्रेल पे जो है ना ऊपर बुला। और इंशाल्लाह अब यहाँ से हम हाइक करेंगे टू द मुनाल। सो आपको भी साथ ले जाएंगे जनाब शाह। तो हमारे साथ आए। तो ट्रेल थ्री पे एंटर होके आपको दो ट्रैक मिलेंगे, एक जो होते हैं ना स्मूथ रास्ता है, और एक बिल्कुल सीधा पायर ट्रेल। तो इस पर ज़्यादातर वो लोग चल सकती है जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं, और इस रास्ते पे नहीं चल सकती है। सो हम तो पायर ट्रेल पे जाएंगे भाई। पायर ट्रेल की अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल शॉर्ट है। अगर आप मुनाल तक जाए तो ये रास्ता बिल्कुल शॉर्ट पड़ता है। मेरा तो बहुत दिन में सांस हटका हुआ है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो ट्रेल थ्री पे चल रहे हैं, और यहाँ हमारे साथ एक अंकल है जो बिल्कुल हमारे साथ ही चल रहे हैं। माशाल्लाह इनकी हिम्मत की मैं सलाम करता हूँ। 65 साल उम्र है माशाल्लाह, 65 साल की उम्र में और इतनी मुश्किल रास्ते पे हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो एक बार और सलाम नौजवानों के लिए पैगाम है। जी जी, आप घर में ना बैठे और आप इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप कितनी दफ़ा आती है वैसे ट्रायल? मैं बैठे इतवार के अलावा बाकी आता हूं। इतवार के अलावा बाकी, माशाल्लाह। थैंक यू मैडम। थैंक यू अंकल टाइम देने का। सो ये हमारी यूथ के लिए एक मैसेज है कि इतनी उम्र में लोग हाइकिंग करते हैं और अपना हेल्थ के लिए सब कुछ करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने टाइम से सोशल मीडिया वगैरह से कुछ टाइम नेचर के लिए निकालें और हाइकिंग ज़रूर करें। ये है हमारे जवान जो ट्रेल पे चढ़ कर अभी भी नहीं थके और अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप तक हम पहुँच गए, तकरीबन 20-25 मिनट में पहुँच गए ना। नहीं, ये छोटा टॉप है ना, तो वाला टॉप आता है वही है। यहाँ से भी इस्लामाबाद की व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और यहाँ से
ट्रायल ट्रिप के ऊपर आकर आपको फ्रेश फ्रेश माल्टे भी मिल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अंकल किस तरह है माल्टे? 20 रुपये का और दर्जन। ठंड ठंड नहीं लग रही तो माल्टे वगैरह कोई ख़रीद रहा है यहाँ से? नहीं। अच्छा चलो हमें तो दे दो ना। भाई मेरे ख्याल से रास्ता बहुत सख्त है, मेरे ख्याल से रास्ता बहुत सख्त है ना। तक तो नहीं गए? अच्छा थका नहीं। अच्छा दो मिनट मैंने लगाया। पहली दफा आए ट्रेल पे? या ट्रेल पाइप पे गए? मैं था रहता हूं, मेरा कजन है। अच्छा मैं इसको लेके आया। अच्छा किसके पहली बार? ये वैसे ट्रेल 3 ट्रेल पाइप से बहुत सख्त है ना। असल में मैं जो नॉर्मल रूट है ना, मैं वो ले जी जी, ये पहली बार मैंने काट पाया ट्रेल। बिल्कुल बिल्कुल भैया, यहाँ तक ऊपर जाए तो फिर व्यू जो है ना अच्छा नज़र आता है। बस इतना नहीं है, बस यहाँ तक आप जाए ना। गरीब वैसे हमने एक गलती की, पानी नहीं लाया अपने साथ। मैंने इन लोगों को बताया था कि भाई पानी ले लो साथ में, लेकिन ये कह रहे थे कि मौसम अच्छा है तो पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेल पे आके अपने साथ पानी का लाना ज़रूरी है भाई, तो आप नहीं लाए क्या कर सकते हैं। जंगल में है भाई जंगल। तो काइंडली जब आप मुना जो ट्रेल पर आते हैं तो अपने साथ पानी लाया करो, क्योंकि यहाँ पर पानी भी ना महंगा है। बस बस बहुत हो गया भाई, 5 रुपये आपकी ओवर एक्टिंग की। सो ये है ट्रेल 3 का बिल्कुल एंड पॉइंट, और यहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इस रास्ते पे आप जा सकते हैं ट्रेल 5। और वहाँ से भी वापसी का रास्ता है भाई, टेंशन की कोई बात ही नहीं, बस घूमो फिरो घूमो फिरो। और ये है सारा मार्गला हिल्स, the beautiful Islam। ओ जान बादशाह किधर जाएंगे? इधर ऊपर जाएंगे। ओहो ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है यार। आगे आपको मैं बात बताता हूं ना, आगे आपको पता है केपीके है, इससे आगे ना कर। हां तो आगे केपीके जाएंगे यार, फिर तो हम जल्दी जल्दी। फाइनली हम पहुंच गए मुनाल, यहाँ से मुनाल रेस्टोरेंट नज़र आया बिल्कुल सामने, अभी इंशाल्लाह नीचे जाएंगे। हाँ तो भाई बिल्कुल टॉप तक हम पहुंच गए, और यहाँ से इस तरफ जो है ना मुनाल है, और ये इलाके जो दिख रहे हैं ना ये ज़ूम कर, ये सारा केपीके का एरिया है। सो आधी इस्लामाबाद में और आधी केपीके में है भाई। तो भाई हम पहुंच चुके थे मुनाल तक, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि सिंगल लोगों का कहीं भी कदर नहीं है, गजब बेइज्जती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं गए। नहीं नहीं आप आपको हत्या में हो गए जान,
वहाँ रश इतना ज्यादा है इसलिए जो है ना तो जेंट्स का दाखला ममनू किया है कि सारे फैमिली का मामला चल रहा है। हम तीनों गेटों पर ट्राई किए लेकिन किसी भी गेट से जो है ना, लेकिन खैर हमारे पैसे बच गए। वैसे अभी 5-6 हज़ार रुपए वैसे फेंक दे देना। पैसे लाए थे हमने, पूरा प्लान बनाया था कि हम यहाँ से चाय शाय पियेंगे और बहुत खर्चा करेंगे जो है ना, लेकिन मुनाल वालों के रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हमारी जिंदगी का एक मकसद है बदला। इस्लामाबाद आज ही जाकर मुनाल को सील करेंगे, ये अदालत वसी अवामी मुफाद का तहफ्फुज करेगी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। त्यार द खुश लार द बारान दे उतजे बारान दे उतजे त्यार द खुश लार द बारान दे उतजे बारान दे उतजे पलार दर न चूक वो नकड़ी तपो जमा दहाल पलार दर न सुख वो नकड़ी तपो जमा दहाल पलास की दर सरा जमा ग्रीवान दे औ तजे ग्रीवान दे औ तजे तजे बारान दे औ तजे त्यार दा खुश लार द बारान दे औ तजे बारान दे औ तजे नशा शुमा नशा नसु जल बाजा। हम किधर नहीं जा रहे भाई, हम इधर ही है। सो सांग जहानबाद से और अब्दुलरहमान का पुश्तो में बेहतरीन सांग आपने सुन लिया और उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो अगर मज़ा आया तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।